बहुत सुंदर है तू। हाँ, सुंदर लड़कियों पे लोग ऐसे डाल ही देते हैं, बहुत सारे लफंगे उनके पीछे ही पड़ जाते हैं, लव लेटर लेकर घूमते हैं पीछे। चल ये बता कि किसकी हड्डी तोड़नी है। अरे रे, मेरा मतलब वो नहीं था। टेंशन नहीं लेने का है, कोई सबूत नहीं छूटेगा, एकदम साफ सुथरा काम, रेट चाहे तो कम ज्यादा कर लेंगे। काम बता। मुझे प्यार हो गया है। तूने क्या मुझे कोई दलाल समझ रखा है, किसी मैरिज ब्यूरो का? नहीं नहीं मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम लोगों सब देखे ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्लीज प्लीज हंसो मत, सब लोग यही देख रहे हैं। प्लीज, चार दीवारी के अंदर जो लोग प्यार करते हैं उनको तो बदनाम होने से कोई नहीं रोक पाता, बीच सड़क पे अगर तू किसी गुंडे से प्यार करेगी तो फिर जानती है क्या होगा, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। प्यास, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, सबको बुला लो, जितने भी लड़के लोग हैं सबको इकट्ठा करके यहाँ पहुंचाओ। गुंडे से प्यार करना सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। ये सिर्फ दूसरों की जान लेने के लिए नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए भी है। मैं कब पैदा हुआ ये नहीं मालूम, कब मरूंगा ये भी नहीं मालूम, जब से होश संभाला है तब से यही हमारे साथ ही है और आखिर तक यही रहेंगे। प्यार मोहब्बत की मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, यही फर्स्ट है, यही लास्ट है। अगर दोबारा इस तरफ नजर आई तो फिर याद रखना सर फोड़ दूंगा। बाऊ बाऊ डर गई क्या? हेलो। कितना भी अक्लमंद इंसान हो लेकिन उसकी एक वीकनेस होती ही है। उस दिन मेरे अड्डे पे बहुत उछल रहा था ना, तेरा दिल, तेरी दिलरुबा, वही जिससे तू बड़ा प्यार करता है, मेरे अड्डे पे पड़ी है इस वक्त। प्यार क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर यार फियाज, और वैसे भी सुबह सुबह दारू पीने वालों से मैं बात नहीं करता। रख साला फोन नीचे। एसीना, क्या रे, वो इसका लवर नहीं है क्या के फोन काट दिया? फोन काट दिया? अब कौन है बे? मत्ती सेना। ओ सेना, बैंगलोर के पागल कुत्ते की तरह सीरियस हो गया? वैसे भौंकता तो है तू। क्यों, खाने के लिए ब्रेड और चूसने के लिए हड्डियां नहीं मिली? ए, कुछ भी मालूम नहीं बोल के एक्टिंग मत कर। मालूम नहीं बोल कर तो आधा बैंगलोर निकल गया तू। मॉडल जैसी सुंदर लड़की रख के कहता है कुछ भी नहीं मालूम, झूठ बोलता है, एक्टिंग करता है। हाँ ले बात कर उससे। हेलो, मैं रम्या बोल रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी। अब मालूम पड़ गया। सीना सीना सीना, कब से बोल रहा हूँ, अभी एक बार फिर बोलता हूँ, सुन ले, उस लड़की से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। वैसे काम क्यों नहीं करता तू? उठा तो चुका है, जो चाहता है कर ले, जो चाहे कर ले, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। क्या हो, ठीक है ना भाई? ओके। फोन रखता हूँ। फियाज, तू खुद को जितना फन्ने खा समझता है, गुली तुझसे भी बड़ा फन्ने खा है।
गुरु गुरु बोलना। वो लड़की तुमसे मिलने आई थी। तो मैं क्या करूं? गुस्सा मत करो गुरु, लड़ाई तो हमारी है ना, उस बेचारी की क्या गलती। एक क्वार्टर गुरु, गाड़ी रोक, उतर नीचे। गुरु नीचे उतर। गुरु नीचे उतर। ऐसा नहीं है गुरु। उतरेगा कि मारूं? चलो उतर, चलो। गुरु अपने बाप का क्या जाता है इसमें? पूरा प्लान उल्टा हो गया यार। ए गुली, उधर ही रुक। ये हथियार कहाँ कहाँ रखता है पता नहीं चलता है, चेक करो। फटी रहने के बाद भी तू छोड़ता ही रहता है। अच्छा है भाई, मेंटेन नहीं रखेगा तो फिर खाने के बांधे पड़ जाएंगे। खाना खिलाने के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे, ए फर्स्ट चेक करो। तेरा अड्डा, तेरे लोग और तेरा स्टाइल, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तूने कहा था कि मैं आ जाऊं, मैं आ गया। लड़की को छोड़ दे। फोन पे तो बहुत अनजान बन रहा था, अब क्यों है इसको बचाने? मुझे पता था तू इसे बचाने जरूर आएगा, तू इससे प्यार करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। हमको तुम्हारी जान चाहिए, इस लड़की की नहीं। ए लड़की को खोल दो रे। मुझे पता था बॉस आप यहीं आओगे। पता था ना, अब इसे लेकर तुम लोग निकलो। गुरु ये क्या कह रहे हो? जितना बोला उतना कर। गुली को बुलाकर हमें बहुत खुश कर दिया। तेरी उम्र तो बहुत लंबी है रे, क्योंकि उसकी उम्र भी तुझे ही लगने वाली है, और उसे आखिरी बार देख ले, शायद वो कल से ना दिखे। बोला था ना। जल्दी चले। मलेश भाई मैं तो तैयार हूँ, उन सबको भी रेडी होना चाहिए। अब हमारे रनचप्पा वेंकटेश के मंदिर जाना है। आफ्टर ऑल दौलत शोहरत इज्जत सब उन्हीं की तो देन है। हाँ। अरे गीता, पूजा को तैयार किया कि नहीं? होम मिनिस्टर से कब मिलना है? कल मिलना है रम्या।